हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग कुकिंग में आपका स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बिना कढ़ाई चढ़ाए हुए आपको मोदक बना के दिखाएंगे और उसमें हम क्या क्या लिए हैं आपको बता देते हैं। 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम और थोड़ा सा लावा मखाना है। इसको मैं हल्का सा भून ली हूँ, देख सकते हैं आप, ये टूट रहा है अच्छे से। और ये मैं घर का बनाया हुआ खोया ली हूँ, खोआ मावा। और ये नारियल का बुरादा और चीनी है। चीनी मैं 2 कटोरी लूँगी, एक एक कटोरी ये सब है और 2 कटोरी हमको चीनी लगेगा। अब मैं लूँगी और 2 हरी इलायची भी है। इसका मैं स्टेप एक एक करके बताऊंगी। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, 1 कटोरी चीनी मैं ऐड कर दी हूँ इसमें और 2 कटोरी मैं चीनी और डालूंगी ताकि मोदक अच्छा मीठा रहे। अब मैं इसमें बादाम ऐड करूंगी, बादाम ऐड करूंगी और काजू और मखाना और 2 इलायची, इलायची भी ऐड कर। पाउडर हम बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लूँगी। थोड़ा मैं इसमें ले ली हूँ, थोड़ा हम इसी में रखेंगे ताकि मिक्स करने पे अगर गीला हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे फिर से। और हम ये 1 कटोरी नारियल का बुरादा है और इसको हम अच्छे से हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। इसमें हम मावा भी डाल देंगे, घर का शुद्ध बनाए और भगवान जी को भोग लगाए। अच्छे से इसे मिक्स करना है हाथ से। धीरे धीरे करते हुए मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा हम करते हुए मिक्स कर लिए हैं। अभी थोड़ा सा गीला है, अब हम ये पाउडर जो बचा के रखे थे वो डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। डो को मैं रेडी कर ली हूँ, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब मैं लूँगी मोदक का मोल्ड है, ये छोटा साइज है, आपको जिस हिसाब से बनाना हो आप बना सकते हैं। ऐसे हम दोनों तरफ भर लेंगे अच्छे से और फिर इसको हम अच्छे से बंद करेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मोदक बन गया है। इसमें देख सकते हैं कितना अच्छा डिजाइन बन गया है मोदक का। आप ऐसे बना के भगवान को रोज भोग लगा सकते हैं। ऐसे बना के मैं आपको दिखाती हूँ, मोदक बन गया। ये मैं केसर पानी भिगो के रखी थी, इस पर लगा दी हूँ थोड़ा थोड़ा। मोदक बन के रेडी हो गया है, पप्पा को भोग लगेगा। अगर आपको पसंद आए आप सबको तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा बना है। धन्यवाद।